हेलो गाइस, स्वागत है आपका नया स्वीट किचन में। हम आपके लेके आए हैं टेस्टी सी समा चावल की रेसिपी। हम नवरात्रि में हमें कुछ चटपटा चाहिए होता है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनता है। ज़्यादा तो हमें कोई झंझट वाली चीज़ें नहीं चाहिए हैं, इसलिए हम इस तरीके से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही हमें मैंने यहाँ पर ले लिया ये मूँगफली, यहाँ पर ले लिए मैंने आलू के क्यूब्स काट कर। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मैंने डाल दिया इसमें देसी घी, मेल्ट हो चुका है। चलिए मेल्ट हो चुका अच्छे से गर्म होने देंगे हम इसको। जी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। पहले हम करेंगे यहाँ पर मूँगफली को फ्राई। चलिए मैंने इसमें डाल दिया आलू, आलू को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारे जो आलू भी है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इनको जीरा थोड़ा सा अच्छे से डाल देती हूँ मैं, हरी मिर्च। चलिए हम इसे डाल देते हैं अपने टमाटर। चलिए हम इसके साथ डाल देते हैं अपना समा चावल। मैंने अच्छे से इसको वॉश कर लिया था, इनमें जो हमने डाल दी है। हम थोड़ा सा डालेंगे सेंधा नमक, थोड़ी सी हम इसमें डाल देते हैं हल्दी। इसको हम इसके साथ डाल देते हैं बस पानी, और इसे डाल देते अपने आलू जो हमने फ्राई किए थे वो पानी। मैंने इसमें एक गिलास पानी डाला है, आधा गिलास और डाल दें इसमें, और अच्छे से इसको कवर करते हुए पका लेंगे। चलिए देख लेते हैं, 10 मिनट हो गई है। वाह क्या खिली खिली हमारी खिचड़ी बनी है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा नींबू डाल रही हूँ, टोटली ऑप्शनल है। चलिए हम इसको अच्छे से मिला देंगे, मैंने इसमें नींबू डाला है। गैस को कर देते हैं हम बंद, इसमें डाल देते हैं मूँगफली। मैंने मूँगफली पे भी थोड़ा सा सेंधा नमक छिड़क दिया था। उनको 2 मिनट के लिए हम ढक कर रख देंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। चलिए सर्व करते हैं, हम सर्व कर लेंगे। व्रत में भी हम इतनी टेस्टी खिचड़ी बनाकर खाएं। चलिए एंजॉय करें आप मेरी रेसिपीज़ को, व्रत में इतनी अच्छी खिचड़ी बनाकर खाएं। चलिए अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।